रीवा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध आईटी एक्ट एवं भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक को एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपा है। 15 अप्रैल को प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आईटी एक्ट एवं भारतीय दंड विधानों के प्रावधानों के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। वहीं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी के आह्वान पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के मार्गदर्शन में टीआरएस कॉलेज एनएसयूआई अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 16 मई 2019 को अपने ट्विटर हैंडल पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के अभिभाषण का एडिटेड वीडियो शेयर किया गया था, जिसका उद्देश्य सामान्य जनमानस में उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि को धूमिल करना था, जो कि आईटी एक्ट एवं भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। बताया गया कि ये वीडियो आज भी मुख्यमंत्री के द्वारा डिलीट नहीं किया गया है और निरंतर जनसामान्य के बीच उनके ट्विटर हैंडल फेसबुक पेज के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। उपस्थित लोगों ने कहा कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर ऐसा कृत्य किया जाना क्या आपराधिक कृत्य नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार समानता के आधार पर सबके लिए न्याय एक समान उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो देश का मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री, चाहे एक आम नागरिक ही क्यों ना हो। करने पे वो FIR दर्ज हुई है तो 2016 में राहुल गांधी जी के खिलाफ भी FIR दर्ज, मतलब शिवराज सिंह जी के ऊपर भी FIR दर्ज हो हमारी ये मांग। उन्होंने गलत राहुल गांधी जी के वीडियो को वो करके गलत तरीके से पेश किया था, ये लिंक उसकी हमारे पास संलग्न है। मैं चाहता हूँ कि इसमें विकार राही हो, कानून सबके लिए सामान्य हो, हमारी ये मांग। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी जी और शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू भैया के मार्गदर्शन में हम लोगों ने SP साहब को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग ये थी कि जिस प्रकार दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर उन पर FIR दर्ज करवाने के गलत तरीके से दिग्विजय सिंह का गलत ट्वीट हो गया था, जिसको उन्होंने गलती मानकर डिलीट भी कर दिया, जबकि इसी प्रकार खरगोन मामले को हुआ है अभी वर्तमान में, अभी इसी प्रकार जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह के ऊपर मामला दर्ज हुआ है, मैं चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी के ऊपर भी मामला दर्ज हो, क्योंकि उन्होंने 16 मई 2019 को राहुल गांधी के खिलाफ भी ऐसा ही वीडियो वो किया था, वीडियो को एडिट करके जोड़ तगोड़ के गलत तरीके से दिखाया गया था, जो कि अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। मैं चाहता हूँ, माननीय SP साहब से मांग की है कि कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम आदमी हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। हमारी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के ऊपर भी FIR दर्ज हो और हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंकज उपाध्याय, NSUI TRS इकाई अध्यक्ष।